हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइरीन जोया व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग का टॉपिक होने वाला है बॉलीवुड, सलमान खान, सुशांत सिंह राजपूत को लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एक और चीज़, आप लोग सोच रहे कि अचानक से ये बंगाली से ये हिंदी में क्यों अभी व्लॉग कर रही है, तो मेरे कुछ जान पहचान के लोगों ने बोला है कि आइरीन कि तू एक बार ट्राई करके देख हिंदी में, अगर लोगों को पसंद आता है तो उसमें तू कंटिन्यू करेगी, अगर नहीं आता तो जो तू पहले बंगाली में जैसे तू व्लॉग बनाती थी वैसे ही तू बनाएगी। सो इट्स अ ट्राई, मैं ट्राई कर रही हूँ फिर से। पहले तो मैं बना ही चुकी हूँ हिंदी में, तो आज का व्लॉग भी मैं हिंदी में ही बनाऊंगी। तो लास्ट वीक एक इंसिडेंट हुआ था, यूट्यूब पे एक राजस्थान के एक लड़के ने वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में सलमान खान को मारने का धमकी दिया था कि वो उसको मार देगा। तो वैसा अगर वीडियो कोई बनाता है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। तो पुलिस ने उसको राजस्थान से अरेस्ट किया और उसको मुंबई लेके जा रहा था एयरपोर्ट से। तो वो एक मैंने पोस्ट इंस्टा पे देखा, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इसका कमेंट सेक्शन खोल के देख लेते हैं कि क्या किसने कमेंट किया है। अभी तक लगता है सुशांत को लोग भूल नहीं पाए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, गलत मत सोचिएगा। हो ये मैटर है सलमान खान का, हर चीज में सुशांत सिंह राजपूत को लेके आना, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर SSR। उसके टाइम मैंने एक कमेंट देखा, उसके टाइम में तो पुलिस ने इतना इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया, सलमान के टाइम में इतना जल्दी जल्दी पुलिस ने उसको पकड़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सुशांत सिंह राजपूत ने, ये मैं पहले भी एक ब्लॉग में बोल चुकी हूँ, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। और जो ये पूरे बॉलीवुड को जो आप लोग पूरा घसीट लेते हो, पूरा इन्वॉल्व कर लेते हो, जैसे कि जब वो इंसिडेंट हुआ जैसे पूरा बॉलीवुड सुशांत के फ्लैट में उस वक्त मौजूद था, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा बॉलीवुड उस टाइम प्रेजेंट था उसके फ्लैट में, तो उन लोगों को सब पता है सुशांत ने क्या किया नहीं किया, जब कि वो लोग नहीं थे उसके फ्लैट में। ना रिया चक्रवर्ती थी, रिया चक्रवर्ती 4-5 दिन पहले ही उन लोगों में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके वजह से उसने फ्लैट छोड़ दिया था। उस वक्त उसके सुशांत के साथ उसके 2 रूममेट थे, तो जाहिर सी बात है पुलिस पहले उनको पकड़ेगी, क्योंकि उस वक्त सुशांत के साथ वो लोग थे, तो उनसे जांच पड़ताल करेगी कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। अगर कुछ निकलता है तो फिर बात बढ़ाएंगे ना। ये पूरे बॉलीवुड को घसीट लेना, फिर ये बोलना कि सुशांत सिंह राजपूत को चांस नहीं दिया, अरे चांस कैसे देंगे, हम ऑडियंस ने ही तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उसका सिर्फ 1 और 2 मूवी चला है, धोनी हिट हुआ था, केदारनाथ चला था, और शायद थोड़ा बहुत कायपोचे चला था, बाकी जो उसका जो सब मूवीज आया था कोई देखने नहीं गया था। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, उसके डेथ के बाद जो मूवी जो रिलीज हुआ था दिल बेचारा, वो OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुआ था, इसलिए उस वक्त थोड़ा बहुत वो चला था। अगर ये मूवी थिएटर्स में अगर वो रिलीज होता तो इट्स वेरी ऑब्वियस कोई देखने नहीं जाता। और सबसे बड़ी चीज, अगर उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच अगर होता, उस वक्त अगर मूवी वो रिलीज होता तो कोई नहीं देखने जाता। और जो ऑडियंस जो बोलते हैं जस्टिस फॉर SSR, वी लव यू SSR, तुम ले आप लेजेंड थे, आप ये थे वो थे, अगर वो लेजेंड था इतना बड़ा, इतना अगर आप लोग उसको पसंद करते थे, तो जब वो हमारे बीच में था तब आप लोगों ने उसका उसके मूवीज क्यों नहीं देखने गए थे? अगर मूवीज देखने जाते तो वो एक टॉप में रहता कि नहीं, वो अभी टॉप में लीडिंग एक्टर्स में वो अभी चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या देखता है कि कौन टॉप में है, कौन अच्छा खासा उसका अभी चल रहा है, उस बेसिस पे लोग चांस देते हैं ना, मूवीज में चांस देते हैं, या नेपोटिज्म जो बोलते हैं, सब जगह चलता है नेपोटिज्म, उस बेसिस पे लोगों को काम मिलता है। तो हम एज अ ऑडियंस, हम लोगों ने जब उसको सपोर्ट नहीं किया है तो बॉलीवुड
के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो कैसे उसको चांस देंगे, अच्छे खासे मूवीज नहीं चलते हैं तो सुशांत को लेने का तो बहुत दूर की बात है। और बॉलीवुड में ना आए दिन, सपोज अगर मैं आज टॉप में हूँ तो मुझे कुछ दिन के बाद मेरे जगह कोई और आ जाएगा, फिर उसके जगह कोई और आ जाएगा, ये ऐसे चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। जो पहले जो स्टार बन चुके हैं वो ऑलरेडी है, उनका जगह कोई नहीं ले सकता, पर अभी जो अपकमिंग जो एक्टर्स जो है, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, वो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी मतलब उस पोजीशन में वो लोग परमानेंटली नहीं रहते। जैसे एक टाइम था आयुष्मान खुराना का, सब मूवीज हिट हो रहा था, उसको बहुत काम मिल रहा था, पर अभी देखिए उसको उतना काम नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी उसका मार्केट डाउन है। राजकुमार राव का, राजकुमार राव का भी एक फेज था जब उसका मूवीज अच्छा खासा चल रहा था, उसको अच्छे खासे काम मिल रहे थे, पर अभी जो उसके जो मूवीज आ रहे वो कोई भी मूवी नहीं चल रहा है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और वो अगर हम एज अ ऑडियंस अगर उनको एक्सेप्ट करते हैं तो वो चलता है, अगर नहीं करता है तो नहीं चलता है। तो ये रोना धोना कमेंट सेक्शन पे आके जस्टिस फॉर एसएसआर, वी लव यू, यू आर अ लेजेंड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बंद कीजिए। अभी 14 जून उसका डेथ एनिवर्सरी था। आई डू सिंपथाइज विद सुशांत सिंह राजपूत एंड हिज फैमिली, बट इनफ इज इनफ। अभी इंडिया में आए दिन रोज कुछ ना कुछ होते हैं, इतना बड़े केसेस होते हैं, मणिपुर वाला इंसिडेंट, फिर दिल्ली में कुछ ना कोई ना कोई स्टेट में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो उस वक्त कोई तो नहीं बोला कि जस्टिस फॉर मणिपुर, जस्टिस फॉर दिस एंड दैट, कोई उस वक्त कोई नहीं मुंह खोला। जस्ट बिकॉज ही इज अ बॉलीवुड एक्टर, वो एक सेलिब्रिटी था और लोगों को एक मौका मिल गया कि चलो ये टॉपिक लेके चल, मतलब स्टार्ट कर देते हैं, बॉलीवुड को बदनाम कर ही देते हैं, तो उसको लेके चल रहे। और जब ये सुशांत सिंह राजपूत का जब इंसिडेंट हुआ था तब उस वक्त बहुत सारे लोगों ने चैनल्स खोला सुशांत सिंह राजपूत को लेके, कितना सिंपथाइज कर रहे, कितना सिंपथाइज। और ऐसा है कि उस वक्त मैंने भी एक दो पेजेस फॉलो किया था, पर कुछ महीने के बाद देख रही हूँ उस पेज का नाम बदल के कुछ और कर दिया। तो कहा गया जस्टिस, कहा गया सुशांत के लिए इतना प्यार जो आप लोग दिखाते हो कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आए दिन हमारे दुनिया में कोई ना कोई ये दुनिया छोड़ के चला ही जाता है, कोई एक्सीडेंट में, कोई सुसाइड केस में, या कुछ किसी को मार दिया जाता है, तो आप लोग तो उनके लिए तो सिंपथाइज नहीं करते हो, या जस्टिस फॉर दिस पर्सन, जस्टिस फॉर दैट पर्सन, ये तो नहीं करते हो ना। तो ये अब सुशांत का मैटर ना बहुत पुराना हो चुका है, अगर कोई इन्वॉल्व रहता नो मैटर वॉट, पुलिस उसको ज़रूर पकड़ती। और रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में अगर उसको, अगर पुलिस को या सीबीआई को कोई अगर प्रूफ मिलता तो वो ज़रूर उसको पकड़ती। उसको पकड़ा भी गया था पर उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला। और अभी बहुत हो चुका, उसका भी एक लाइफ है, उसको लेके सब चीज़ में उसको उल्टा सीधा बोलना है, उसके फैमिली को उल्टा सीधा बोलना है, इट्स नॉट फेयर ना। फिर सुशांत के घर वाले भी कुछ खास अच्छे नहीं है, वो श्वेता दी जो है उसकी, वो छोड़ के वो भी एक चीज़ को लेके पकड़ी। आई डू अंडरस्टैंड कि वो उसका भाई है, ज़रूर वो बोलेगी, पर सुशांत के बाकी जो दीदी है वो लोग अच्छे नहीं है। वो लोग, ये भी आया था सुनने में कि वो लोग सिर्फ सुशांत के साथ रिलेशन रखते थे क्योंकि उसके पास वो पैसा था। और सुशांत सिंह राजपूत इतना भी बड़ा कोई स्टार नहीं था जो आप लोग उसके मरने के बाद उसको बना रहे हो। अगर वो जिंदा होता वो देखता कि नहीं मुझे लोग प्यार कर रहे, पसंद कर रहे, तो शायद वो डिप्रेशन में नहीं जाता। तो ये कहीं ना कहीं हम एज अ ऑडियंस का ही फॉल्ट है। तो ये बॉलीवुड के ऊपर ब्लेम करना, इसके ऊपर ब्लेम करना, ये अभी बंद कीजिए, इनफ इज इनफ। और सब चीज़ में मतलब पूरे बॉलीवुड को घसीट लेना, ये अभी थोड़ा मतलब बंद होना चाहिए सीरियसली। जब सुशांत सिंह राजपूत का ये जब ये इंसिडेंट हुआ था
कुछ दिनों के बाद कुछ वीडियो फुटेजेस लीक हुए थे जहां पे रिया चक्रवर्ती भी प्रेजेंट थी और सुशांत सिंह राजपूत भी प्रेजेंट था। तो वो जो वीडियोस जो हम लोगों ने देखे थे उस वक्त सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल पे, मतलब नहीं, ज्यादातर वो सोशल मीडिया पे दिखाया गया था, न्यूज चैनल वालों ने नहीं दिखाया था, क्योंकि उस वक्त न्यूज चैनल वालों को एक टॉपिक मिल गया था, मतलब उसको लेके बैठ जाने के लिए, उसको लेके चर्चा करने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए। तो उस वीडियो, उस फुटेजेस में अगर आपको, अगर वो दिखता है कहीं पे, तो आप देखिएगा जरूर कि सुशांत सिंह राजपूत का मानसिक संतुलन उस वक्त देख के बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। ही वॉज नॉट मेंटली स्टेबल एट दैट टाइम, क्योंकि वो ऐसे अजीब एक बिहेव कर रहा था। सुशांत सिंह राजपूत को हम लोगों ने उस वक्त कैसे देखा था, और उस वीडियो फुटेज में वो एक अजीब सा वियर्ड बिहेव कर रहा था, जिससे क्लियरली पता चल रहा था कि ही वॉज नॉट मेंटली स्टेबल और वो ड्रग्स लेता था। अब लोग बोलेंगे कि वो रिया चक्रवर्ती और उसका भाई उसको ड्रग्स देता था। आई वुड लाइक टू से समथिंग के वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं था कि उसको कोई फोर्सफुली उसको कोई ड्रग्स दे रहा था। जब तक मुझे मन नहीं करेगा कि नहीं मुझे ये ट्राई करना है, मुझे ये खाना है, तब तक मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता। तो उसको, उसके साथ भी वैसा नहीं हुआ था कि उसको फोर्स किया गया था, उसको खुद को वो चाहिए था, तो इसलिए उसने वो लिया। तो उसके लिए भी आप सबको ब्लेम करते हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो, मतलब ये अभी छोड़ दीजिए, अभी ये करना। डेफिनेटली अगर कुछ है तो मैं फिर से बोलूंगी कि सच सामने आना चाहिए, और जो गिल्टी है उसको जरूर सजा मिलना चाहिए। पर अभी इट्स फोर ईयर्स, इट्स बीन फोर ईयर्स, अभी तक कुछ नहीं पता चला है और किसी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो ये सब बॉलीवुड के पोस्ट पे, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस के पोस्ट में जाके उल्टा सीधा बोलना, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, उल्टा सीधा से मुझे याद आया, जब अनुष्का शर्मा, जब वमिका, मतलब अनुष्का शर्मा जब फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट थी, उसने एक स्विमवेयर में एक फोटो एक पोस्ट किया था। उस वक्त नया नया सुशांत का ये इंसिडेंट हुआ था, तो मुझे अच्छे से याद है कि किसी एक लड़के ने कमेंट किया था कि ये बच्चा नहीं रहना चाहिए, मैं उतना डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कौन बोलता है, अरे भाई वो तो बच्चा अभी तक नहीं आया है, उसको तो छोड़ दो। या अनुष्का शर्मा का भी कौन सा फॉल्ट है कि उसके फोटो पे जाके ये सब कमेंट कर रहे हो। ठीक है आपको कोई अच्छा नहीं लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि, सॉरी मैं ये टर्म यूज़ करूँगी, कि सब जगह आपको जाके हगने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से भी बोला जा सकता है। और ये, और एक चीज़ है, आप इग्नोर भी कर सकते हो, उल्टा सीधा बोल के अपने आप को कूल और कूल दिखाना, ये बात सही नहीं है। हर वक्त अपना मुंह खोलने का, मतलब उल्टा सीधा कमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो बस ये मुझे बोलना था, तो आज का मैं व्लॉग यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। अगर कोई भी मुझसे अग्री कर रहा है, और अगर ये वीडियो किसी के, जिस किसी के पास जा रहा है, अगर ये वो वीडियो ये देख रहा है, तो ज़रूर कमेंट पे बताइएगा कि मैं गलत हूँ या सही बोल रही हूँ। तो चलिए व्लॉग को भी एंड करते हैं, मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय।